नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हुमांशी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले सेंसेक्स निफ्टी 12200 के नीचे लुढ़कता हुआ, 12192 के स्तर पर 80 अंकों की बिकवाली, आधे प्रतिशत के ऊपर की गिरावट आप यहां पर देखेंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत यहां पर बिल्कुल कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है। आपको बता दें, एक तो कोरोना वायरस और साथ ही ईरान के बीच जो तनाव की खबरें हैं उससे दुनिया भर के बाजार में एक हाहाकार फैलता हुआ अब देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, वहीं आप देखें तमाम जहां पर कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ हो रहा है विदेशी बाजारों में, उसके क्या असर पड़ते हुए दिख सकते हैं, ये भी समझते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ है, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर विदेशी बाजार अब तो अभी तक नए साल की छुट्टियों से उभरे भी नहीं है और कुछ नई ही तरीके की तकलीफें देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल मानसी, अगर आप देखें तो कोरोना वायरस इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। 80 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगभग 2800 केसेस मिले हैं। पिछले दो दिन में ही लगभग 800 नए केसेस मिले हैं, तो उसकी वजह से चिंताएं ज़रूर बढ़ रही हैं। 15 देशों में अब इसके केसेस मिल चुके हैं, तो वहाँ से परेशानियाँ हैं। चीन में 16 शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है, काफ़ी सारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरीके से बंद कर दिया गया है, लूनर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन बंद कर दिए गए हैं। तो इस सब का इकोनॉमी पर क्या हाल होगा उसकी चिंता बढ़ रही, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजारों में आज काफी भारी गिरावट है। हालांकि ज्यादातर एशिया के बाजार आज बंद हैं, अगर आप चीन की बात कर लें, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे ही बाजार आज बंद हैं, बट जापान जो खुला हुआ है उसमें लगभग 1.5% की गिरावट, 400 अंक की गिरावट है। वहीं एसजेएक्स निफ्टी हालांकि 80 अंक नीचे है पर निचले स्तर से तकरीबन 30 अंक की अभी थोड़ी देर पहले ही रिकवरी हुई है। डाउ फ्यूचर्स में 200 अंक की गिरावट है। तो आप देख रहे हैं हर जगह परेशानी बढ़ी हुई है। कल शाम बगदाद की ग्रीन जोन पर 5 रॉकेट्स का हमला हुआ, 3 रॉकेट अमेरिकी एम्बेसी के पास गिरे और एक रॉकेट शायद अमेरिकी एम्बेसी के डाइनिंग हॉल पर गिरा है, तो वहां से भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। एक आदमी की घायल होने की खबर आ रही है, तो वहां से भी परेशानियां बढ़ रही हैं इस समय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मानसी, बहुत सारी परेशानियां हैं। और बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते गिरावट का माहौल रहा, डाउ लगभग 170 अंक गिरकर बंद हुआ, काफ़ी ख़राब हफ्ता रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। S&P 500 में भी गिरावट देखने को मिली, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट थी वहां पर। एयरलाइन और होटल स्टॉक्स में परेशानियां बढ़ रही हैं इस वायरस के फैलने से। कुछ अच्छे नतीजे आए जिसकी वजह से थोड़ा सहारा ज़रूर मिला, पर वैसे गिरावट का माहौल है। पर अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पर तेज़ी देखने को मिली, कुछ अच्छा मार्केट डेटा आया जिसके चलते चलते बाजारों को सहारा जरूर मिला। और ये हफ्ता ब्रेग्जिट का हफ्ता है, शुक्रवार को ब्रेग्जिट हो जाएगा, विड्रॉल अग्रीमेंट पर बोरिस जॉनसन ने साइन कर दिया है, अब ईयू की सांसद इस पर वोट करेगी, पर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो ब्रेग्जिट इस हफ्ते होने वाली है, तो वो एक अहम ट्रिगर है। कच्चे तेल की बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इस सुबह भी लगभग 2% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 6.5 से 7% की गिरावट देखने को मिली, तो 6 महीने में लोएस्ट लेवल पर है इस समय कच्चा तेल, वहां से थोड़ा सहारा है। हालांकि रुपए में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली, शुक्रवार को 6 पैसे गिरा रुपया। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs DIIs का एक्शन एक बार समझ लेते हैं। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 660 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है, वहीं कैश मार्केट में DIIs भी खरीदारी कर रहे हैं 418 करोड़ की, लेकिन वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 1330 करोड़ की बिकवाली यहां पर आती हुई हम देख रहे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में हम FIIs की तरफ से खरीदारी जरूर देख रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार में एक बड़ी वाली FIIs की तरफ से आती हुई। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले ग्लोबल बाजार ही आपसे समझना चाहेंगे, भारी गिरावट का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है, कोरोना वायरस और ईरान यूएस टेंशन का असर अब साफ दिख रहा है, ऐसे में इन सारी खबरों को हमारे बाजार के लिए कैसे देखना चाहिए? खराब खबरें हैं पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए, और इसमें कोई डाउट नहीं कि
कोरोना वायरस की खबर ये ज़्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है, लेकिन हर रोज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ ही वीकेंड पर जो ये इराक पर फिर से अमेरिकी बेस के आसपास जो रॉकेट दागने की खबर आई, ये भी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव खबर है। तो दो नेगेटिव खबरें, और आप देखिए शुक्रवार को ऑलरेडी अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स फिर से 200 अंक नीचे दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के बाजारों की चिंताएं हमारे बरकरार रहेगी। और हम शुक्रवार को भी यही बात कर रहे थे कि अगर भारतीय बाजारों को फिर से कमजोर होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की वजह से होंगे, क्योंकि हमारे अपने संकेत तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी तेजी भी बनती हुई दिखी, लेकिन चूंकि ग्लोबल संकेत कमजोर है तो हमें कमजोर शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसके बाद देखते हैं कि निचले स्तरों के आसपास सपोर्ट ले पाते हैं या नहीं। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल संकेत वाकई में काफी कमजोर है दोनों ही तरह से, चाहे वो आप फंडामेंटली देखें या फिर न्यूज फ्लो के लिहाज से। बिल्कुल सर, साथ ही ग्लोबल बाजार को अब देखते हुए आज घरेलू बाजार के लिए चाल कैसी दिखेगी, रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए कमजोर शुरुआत तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, और अच्छे खासे गैप से होगी। अच्छी बात यह कि खाली ज्यादातर जापान को छोड़कर सारी एशियाई बाजारों में आज छुट्टी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरी तरह से आज आपको रिएक्शन डाउ फ्यूचर से लेना होगा। मुझे लगता है कि पहले 12,150 ये लेवल है, अहम सपोर्ट है। 12,200 को निर्णायक लेवल मानकर चलिए, तो 12,150 की ट्रेडिंग रेंज को मानकर चलिए। और अगर इसके बाहर निकले तो 50 से 75 पॉइंट के आसपास का करेक्शन हो सकता है। और आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमने 12,100 के आसपास 12,085 के आसपास का लो बनाकर वहां से रिकवरी दी है। तो अगर अब ऊपर की तो छोड़ ही दीजिए कि हम 12,300 के आसपास से उसके पार निकलेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 12,075 12,100 फिर फाइनली वापस से मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,000 के नीचे फिर से हम कमजोर होते हुए दिखेंगे, और अगर 31,000 के नीचे खुलते हैं तो वहां से फिर 30,850 के आसपास एक अहम सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 31,350 इसके पार निकलना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ग्लोबल बाजार की चाल जो है सुस्त है, उसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आपके लिए पहली रणनीति निफ्टी पर देखिए, 12,150 से 12,200 की ट्रेडिंग रेंज पर यहाँ पर ध्यान में रखें, जिसके आगे पीछे 50 से 75 पॉइंट्स का करेक्शन आता हुआ हम देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी देखिए, 30,850 से 31,350 इस ट्रेडिंग रेंज को मानकर आप आज के लिए पहली रणनीति के तौर पर चलें। लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई अहम कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, कैसे रहे ये तमाम कंपनियों के नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप बताएं कैसे रहे तमाम कंपनियों के नतीजे। देखिए पहले ICICI बैंक इसकी बात कर ले तो नंबर्स इनके अच्छे कहना चाहिए। आप इनके NII देखिए, जो शुद्ध ब्याज आए हैं 8,545 करोड़ आई, हम 8,552 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, 51% बड़ी है। लेकिन जो मुनाफे का नंबर है 4,146 करोड़ रुपए का, हमारे अनुमान के ऑलमोस्ट पास में ही है, जो 4,269 करोड़ रुपए के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। करीब 2.5 गुना के आसपास की मुनाफे में बढ़त हुई है। लेकिन आप सबसे अच्छी बात जो इनके नंबर्स में है वो है एसेट क्वालिटी। जो ग्रॉस एनपी का नंबर घटकर आया, हम अनुमान कर रहे थे कि घटकर आएगा 6.4% से 6.1% आएगा, 6% के भी नीचे का जो नंबर्स आया है ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और नेट एनपी भी देखिए 1.6% है, वो घटकर 1.5% के आसपास होते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए नंबर्स अच्छे कहना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नंबर्स भी आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, लेकिन नंबर्स कमजोर आपको नजर आएंगे। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें, तिमाही दर तिमाही हम इसलिए कह लें क्योंकि नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, जो मर्जर हुआ था। आप देखिए ये बैंक मुनाफे से घाटे में आता हुआ दिखा है, 737 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 1,407 करोड़ रुपए का घाटा बैंक ने पोस्ट किया है। शुद्ध ब्याज आय करीब 1.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। ग्रॉस एनपी देखिए 10.3% पे स्थिर रहने का अनुमान था, जब हम अनुमान आपको बार बार बता रहे थे वो बढ़कर आया है, 10.4% आता हुआ दिखा है। और नेट एनपी जो कि 4% के नीचे था वो 4% के पार निकलता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के देखा जाए एसेट क्वालिटी वीक है, प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखी, जिस वजह से मुनाफे से तो तिमाही दर तिमाही बैंक घाटे में आता हुआ दिखा है। JSW स्टील, इसके भी नंबर्स आए थे, ये भी नंबर्स आपको खराब नजर आएंगे। आप इनकी सेल्स देखिए, उसमें करीब 11% के आसपास की कमी आपको नजर आएगी। अबिड्डा यानी कि कामकाजी मुनाफा 45% घटा है, मार्जिन जो कि 22% के पार के थे वो घटकर 13.5% पे आ गए, और मुनाफा आप देखिए 88% घटकर 211 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। DCB बैंक, इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स मिले जुले हैं, NII जरूर इनकी बढ़ती हुई दिखी है। प्रोविजनिंग में जिस तरह से उछाल आया उस वजह से मुनाफे की ग्रोथ कम रही है, 86 करोड़ के मुनाफे 97 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है। ग्रॉस एनपीए में हल्की बढ़त है, 2.09% था वो बढ़कर 2.15 आया है, और नेट एनपीए भी बढ़ते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला देखा जाए मुनाफा जरूर अच्छा ग्रो किया है, लेकिन साथ साथ एसेट क्वालिटी वीक होती हुई दिखी है। और दो और स्ट्रांग नतीजे जो कि कैश सेगमेंट से, उसमें APL अपोलो ट्यूब है, इनके मैं मुनाफे का नंबर आपके सामने रखना
जाऊंगा, 13 करोड़ के मुकाबले 83 करोड़ रुपए का जो मुनाफे का नंबर है वो इन्होंने पोस्ट किया है। आय में भी देखिए 25% ग्रोथ हुई है और आयन एक्सचेंज ये नंबर्स और स्ट्रांग है, 258 करोड़ के मुकाबले जो इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 400 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं और मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर सीधा 26 करोड़, यानी कि 3 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। ओके, तो कई सारे आंकड़े हमें देखे कि वीकेंड के दौरान शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद से लेकर रविवार तक आते हुए दिखे हैं। तमाम कंपनियों के आंकड़ों में जो अहम आंकड़े हमने आपके सामने रखे, लेकिन अब बात करते हैं FIR की, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। और हमारे इस खास सेगमेंट FIR में हम आपको बताते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नजर किन शेयरों पर है, ये बताने के लिए हमारे साथ सृष्टि जुड़ी हैं। सृष्टि, हमें नतीजे जारी करने के बाद दिग्गज कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं ये भी बताएंगी। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत करते हैं बैंकिंग स्पेस से। ICICI के शानदार नतीजों के बाद यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं इस पे खरीदारी की राय दे रहे हैं, बल्कि कुछ ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। JP Morgan देखिए 560 से लक्ष्य बढ़ा के 650 के दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स भी खरीदारी की राय के साथ 627 से लक्ष्य बढ़ा के उन्होंने 648 के दिए हैं। और वहीं मैक्वायरी भी इस पे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 615 के टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव से करीब 50 से 60 रुपए ज्यादा के हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वहां पे नतीजे काफी खराब थे और जो दो ब्रोकरेजेस के टारगेट्स आए हैं वो भी मौजूदा भाव के आसपास ही हैं। मॉर्गन स्टैनली न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 100 के टारगेट्स दे रहे हैं और JP Morgan भी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 100 के ही लक्ष्य बता रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं, इसके नतीजे जो है मार्केट आज के बीच में आए थे, पर मॉर्गन स्टैनली की जो आज रिपोर्ट आई है वो बेहद पॉजिटिव है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य 5,350 के दिए हैं। जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक है, बट आने वाले समय में वो और भी एक अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा और कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके चलते आने वाले समय में कंपनी को फायदा होगा। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आज कुछ अहम कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वो और उनके अनुमानित समय सबसे पहले आपको बता देते हैं। निफ्टी की दो कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं, डॉक्टर रेड्डीज और HDFC। डॉक्टर रेड्डीज का अनुमानित समय यहां पर 12 से 3 के बीच हम लगाकर चल रहे हैं, यानी कि 12 से 3 के बीच ये कंपनी के नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं HDFC इसके नतीजे 12:30 से 2:30 बजे तक में आते हुए हम देख सकते हैं। FNO की 3 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, इंडिगो के नतीजे, टोरेंट फार्मा और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स। तीनों ही कंपनियां 3:30 बजे के बाद, यानी कि बाजार बंद होने के बाद अपने नंबर्स जारी कर सकती है, ऐसी संभावना यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन आज खबरों के चलते कई सारे शेयर्स हैं जो कि एक्शन में देखने को मिलेंगे, और ये बताने के लिए भी संदीप हमारे साथ है। संदीप, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं। देखिए पहले तो टोरेंट फार्मा, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, ये QIP और बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाना चाहते हैं तो उसके ऊपर फोकस होगा। दूसरा कर्नाटका बैंक, इनके भी फंड जुटाने के ऊपर ही बोर्ड बैठक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा खबरों के लिहाज से आप देखिए वोडाफोन आइडिया, ये फोकस में रहेगा। दरअसल क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स दोनों ने इनकी जो रेटिंग उसे डाउनग्रेड किया है, नीचे की ओर रिवाइज किया है। क्रिसिल ने BBB- से BB कर दिया रेटिंग, और इंडिया रेटिंग्स ने इनके जो 3,500 करोड़ रुपये के NCDs थे उसकी जो रेटिंग पहले BBB थी उसे घटाकर अब BBB- कर दिया है, तो वोडाफोन आज फोकस में रहेगा। सिप्ला पे ध्यान रखिए, USFDA से इनके जो बेंगलुरु यूनिट है उसको 4 आपत्तियां जारी की गई हैं, तो सिप्ला पे आज फोकस रहेगा। सीमेंस को लेकर आज खबरें ये हैं कि CNS इलेक्ट्रिक में करीब 99% हिस्सा ये खरीदेंगे, 2,120 करोड़ रुपए के आसपास में ये सौदा होता हुआ दिखेगा। और आखिर में फोर्टिस हेल्थ केयर, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। दरअसल सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका ये कहना है कि जो IHH जिन्होंने करीब 37% स्टेक फोर्टिस में खरीदा था उसका जो ओपन ऑफर है वो होल्ड पे है, तो वो उसको ओपन ऑफर लाने की मंजूरी के लिए सेबी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हुई दिखी है, तो उस वजह से आज फोर्टिस का स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ढेर सारी खबरें जिस पर आज फोकस रहेगा। संदीप शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। 3 ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास, तो तीनों खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। शुरुआत एक्सिस सिक्योरिटीज से करेंगे, इनका मानना है कि मिंडा इंडस्ट्रीज पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लक्ष्य 432 के यहाँ पर ध्यान में रखें, 401 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 1200 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1155 ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से फेडरल बैंक पर खरीदारी की कॉल आई है, कैश मार्केट में करीब 99 रुपए और 90 पैसे के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 94 रुपए और 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने इंट्राडे और पोजिशनल निवेश के लिए 2 शेयर सुझाए हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं वो 2 शेयर। इक्विटास है मेरी पहली पिक इंट्राडे ट्रेड के लिए,
करीब 110 रुपए पे स्टॉक कोट हुआ, 107 का स्टॉप लॉस और टारगेट है इसका 116। एक ट्रायंगल ब्रेकआउट इसमें दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। निपन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये कंपनी जो करीब कोट हुई है, क्लोजिंग इसका है 359 रुपए, 341 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 399 रुपए तक का ऊपर का टारगेट रखें। और आपको बता दें, बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना न भूलें। और आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार के लिए संकेत तो ठीक ठाक, लेकिन ग्लोबल बाजार से परेशानी हम देख रहे हैं, आज के लिए अहम लेवल्स आप कौन से देख रहे हैं? वेल, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखें तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में हमको एक डेड कैट बाउंस देखने में मिला था। उसके पहले अगर हम देखें तो 12,400 के लेवल के आसपास से जो गिरावट हमने देखी थी लगभग 12,100 के नीचे तक, मेरा ये मानना है कि एक बार फिर से हम निफ्टी को निचले स्तरों पर 12,150-12,170 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। रीजन ये है, अगर डेरिवेटिव सेटअप देखें तो 12,300 में कंटिन्यूस कॉल राइडिंग हो रही है, वहीं पे 12,200 में पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव है। जैसे ही निफ्टी 12,200 का लेवल निचले स्तर पर ब्रेक करेगा, मेरा मानना है कि दबाव थोड़ा और गहरा सकता है। तो इसीलिए फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक छोटा सा पैनिक हम कह सकते हैं कि मार्केट में देखते आते हुए देख सकते हैं। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो जब तक 12,300 का लेवल ऊपरी स्तरों पर ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जो एक ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है वो है 12,100-12,300 की। करंट लेवल पे अगर आपको फ्लैटिश ओपनिंग के आसपास ओपन होते हुए मिलता है तो सेलिंग की रणनीति अपनानी चाहिए, 12,300 का स्टॉप लॉस होगा। डाउनसाइड में जो इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 12,130 और 12,100। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत ही है, 12,100 के नीचे आते हुए हम नहीं देख रहे, एक छोटी सी इंट्राडे में हम सेलिंग प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल नीलेश, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर सलाह देंगे आप? एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन में स्टार्ट करना चाहूंगा। सेल रिकमेंडेशन से मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट, जिसके अंदर एक कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, 592 के स्टॉप लॉस से दिवाली करने की सलाह है 560 तक के टारगेट के लिए। सेकेंड रिकमेंडेशन है बाय साइड में ब्रिटानिया, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में आता हुआ देखने को मिला था। इसके अंदर बायोन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते अगर थोड़ा भी नीचे मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। 3130 का स्टॉप लॉस होगा, 3280 के टारगेट के लिए। ओके नीलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक कॉल आपको खरीदारी की दी गई है ब्रिटानिया, और दूसरी कॉल यहाँ पर बिकवाली की आपको एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। मैकडॉनल्ड्स में सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा, यहाँ पर 560 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 592 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं ब्रिटानिया पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, 3,280 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 3,130 के यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाने होंगे। सेल कॉल निफ्टी पर यहाँ पर फिलहाल मिलती हुई देखने को मिल रही है, टारगेट 12,130-12,300 के लेवल्स स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर आपको लगाकर चलने होंगे। लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा से, और उनसे जानने की कोशिश की कि आज क्या करना चाहिए कमोडिटी बाजार में। बुलियन मार्केट में सोने पर अब भी खरीदारी की राय एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई दिख रही है, यहाँ पर 40,500 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए और 40,050 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 40,200 के लेवल्स पर अगर ये मिले तो खरीदारी का मन आपको बनाकर चलना है। 40,355 के लेवल्स हमने देखे, 40,200 के लेवल्स का इंतजार करें, इन लेवल्स को देखते ही आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। ठीक सोने की ही तरह चांदी में भी फिलहाल खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, 47,300 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 46,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, 46,700 इन लेवल्स को अगर आप देखें तो यहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए कच्चे तेल में एक गिरावट हम देख रहे हैं और कोरोना वायरस की चिंता है जिसकी वजह से कच्चे तेल में फिसलन देखने को मिल रही है। बिकवाली की रणनीति 3,900 के लेवल्स अगर देखें तो घरेलू बाजार में बिकवाली कीजिएगा, 3,800 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3,950 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ पर क्रूड में आपको मिलती हुई बिकवाली, लेकिन सोने चांदी की चाल अब भी खरीदारी की तरफ इशारा करिए, यहाँ से और ज्यादा तेजी की पूरी गुंजाइश, बाय कॉल इनिशिएट करने की राय अभी एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।